बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के एक यात्रा की चर्चा करेंगे। गांधी के उपवास तो बहुत चर्चित हुए, बहुत चर्चित हैं भी इतिहास में। उनकी यात्राओं की चर्चा उस तरह से नहीं होती है, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में तीन यात्राएं काफ़ी बड़ी हैं और इन तीन यात्राओं का जिक्र जरूर होना चाहिए। एक यात्रा की चर्चा कई बार होती है, वो है दांडी यात्रा, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय 31 में उन्होंने की थी। और उस यात्रा की चर्चा कई तरह से होती भी है और वो नाटकीय भी काफ़ी था, खुद गांधी के चलने से लेके। लेकिन दो यात्राओं की चर्चा नहीं होती है। एक यात्रा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निकाली थी और उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस यात्रा ने उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, कभी हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे उनके तीसरी यात्रा की, और ये तीसरी यात्रा थी अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। और इस यात्रा में गांधी ने करीब 9.5 महीने का वक्त लगाया और लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा ये थी। ये छोटी यात्रा नहीं थी, काफ़ी समय उन्होंने इसमें लगाया और काफ़ी ऊर्जा लगी होगी, उनके साथियों की भी ऊर्जा लगी होगी। और गांधी इसी यात्रा के बीच से निकल के उन्होंने छोटे छोटे काम भी किए। जब ये यात्रा पीक पे जा रही थी, ठीक उसी समय बिहार में भूकंप आया था, तो गांधी को वहाँ का बुलावा आया। राजन बाबू ने उनको रोका कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, यहाँ हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इसके बावजूद गांधी तत्काल तो नहीं गए, उन्होंने यात्रा छोड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने बिहार का कार्यक्रम बनाया और बिहार के भूकंप के इलाकों में घूमने के साथ साथ उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ भी, छुआछूत के खिलाफ भी जो अपना अभियान है वो चलाया। और कई जगह, छपरा से लेके सब जगह वो इसी यात्रा में गए, बल्कि छपरा में गए और डोम लोगों का जो कष्ट था उसकी चर्चा कई जगह मिलती है। और तभी गांधी ने ये बयान दिया था कि बिहार के लोगों को भूकंप की सजा भगवान ने इसलिए दी है कि यहाँ छुआछूत ज़्यादा है। ये काफ़ी विवादास्पद बयान भी हुआ था, लेकिन ये यात्रा उसके बाद फिर दूसरे राज्यों में गई। और ये यात्रा सचमुच इस पार से उस पार तक हुई है, उसमें मध्य भारत भी, उसमें दक्षिण भारत भी, उसमें असम भी, उसमें उड़ीसा भी, उसमें बंगाल भी, बिहार भी, सबसे आखिर में वो उत्तर प्रदेश, पंजाब भी, उसमें आखिर में वो उत्तर प्रदेश आए और बनारस आके ये यात्रा ख़त्म हुई थी। बनारस में भी अजब हुआ कि बनारस में उन्होंने 2 अगस्त 1934 को अपनी यात्रा ख़त्म की और उसके तत्काल बाद फिर दंगा हो गया, तो गांधी फिर रुके और फिर रुक के उन्होंने उस झगड़े का निपटारा किया, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने यात्रा 2 अगस्त को ख़त्म की थी। इस यात्रा के बारे में दिलचस्प चीज़ ये है कि गांधी जहाँ जहाँ घूमे, इन सारे राज्यों का जिक्र मैंने किया, उन सारे राज्यों में गांधी को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स इस तरह का भी, जैसे उड़ीसा और बंगाल में जब वो गए तो औरतें उलूक ध्वनि से उनके यात्रा में आगे आगे चल रही थी, पुरुष नाचते चल रहे थे, कई बार वैष्णव होने का और शैव होने का, कई बार कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इसका भी छोटा टकराव देखने को आया। लेकिन इसके बावजूद यात्रा ज़बरदस्त ढंग से चली और सब जगह लोगों का समर्थन ऐसा था जैसे कोई जश्न आ गया हो, कोई बाहर लेके गांधी आए हुए हों, और हर जगह भीड़ लगी रही। इसी यात्रा में गांधी ने स्वराज कोष के लिए फंड भी जुटाया, हरिजन कोष के लिए फंड भी जुटाया। इसी यात्रा में गांधी ने और भी अपने काम, खादी का प्रचार भी कहीं कहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से इसका स्वर छुआछूत के खिलाफ था और मंदिर प्रवेश का था। जगह जगह वो मंदिरों में गए, जगह जगह हरिजनों का प्रवेश वहाँ दिलवाया, वो हरिजन ही बोलते थे दलितों को, तो उस समय बल्कि ये नाम काफ़ी सोच विचार के तय किया गया था। इस पूरी यात्रा में, इतनी लंबी यात्रा और इतने लंबे समय की यात्रा में गांधी को सिर्फ 4 जगह इसका विरोध झेलना पड़ा। बनारस में हल्का विरोध हुआ, उड़ीसा में हल्का विरोध हुआ, पूना में पहले थोड़ा विरोध हुआ था, और आखिर में जब वो देवघर गए थे तो वहाँ का विरोध काफ़ी हिंसक था। वहाँ सचमुच उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और किसी तरह वो वहाँ से बचे और बच के फिर गए, हालांकि फिर उनको ये कहना था कि वैसे लोगों का सामना वो करने को तैयार हैं। ये यात्रा बड़ी सादगी से भी हुई,
जगह जगह वो जो गए हैं और लोगों में खुशी जरूर थी, लेकिन जश्न जैसा कोई कि झंडियाँ लगी हों और रोशनी की जाए, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे वाले लोग जरूर कई जगह आ गए, जो सनातनी थे वो कई जगह काले झंडे लेके आए, लेकिन अक्सर ये हुआ कि गांधी की यात्रा पहुँचते ही, गांधी की बात सुनते ही काली झंडियाँ हट गई और काले झंडे वाले भी गांधी की जय, महात्मा की जय ये बोलना शुरू कर चुके थे। तो गांधी की यात्रा उस हिसाब से बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, लेकिन बहुत ही मुश्किलों वाली थी। इसी में वो साल के आखिर में वो शुरू हुई थी, तो उस समय से सर्दियों का किस्सा है कि जहाँ जहाँ गए किस किस्म से सर्दियाँ झेली, फिर उसी में गर्मी हुई, फिर उसी में बरसात आई, और बरसात के दौर में गांधी उड़ीसा में घूम रहे थे जहाँ काफ़ी बरसात होती है। तो एक जगह का नहीं, ये कई जगह का किस्सा है कि पूरी रात बरसात होती रही और वो लोग एक झोपड़ी में बैठे रहे, सोने की जगह भी नसीब नहीं हुई, खाना कई जगह नसीब नहीं हुआ, और कीचड़ में चलना और कीचड़ में यात्रा निकालना ये तो आम था। गांधी के साथ पूरी एक टीम चलती रही पूरे समय, जिसने सफाई का काम किया जगह जगह, लोगों को सफाई का तरीका सिखाया कि किस तरह हाइजीनिक ढंग से वो रहें, ये सब भी सिखाते वो चलते रहे पूरे समय। वो किस्से काफ़ी हैं, उन किस्सों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहानी अपने आप में है कि उड़ीसा की यात्रा भी उन्होंने इसलिए छोड़ी कि बरसात की वजह से यात्रा निकालनी मुश्किल होने लगी, तब उन्होंने उड़ीसा की यात्रा छोड़ी, क्योंकि वो उड़ीसा में ज़्यादा समय देना चाहते थे। उड़ीसा में जहाँ तहाँ से सनातनी प्रतिरोध ज़्यादा था, हालांकि उड़ीसा में समर्थन भी बहुत ज़बरदस्त मिला। उड़ीसा के समर्थन के किस्से कई हैं, मैं एक दो कहानियाँ आपको, वियोगी हरि गांधी के सहयोगी थे जिन्होंने काफ़ी भाषा वाला काम बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है। घनश्याम दास बिरला उस यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने काफ़ी अच्छा किस्सा लिखा है, बल्कि बिरला जी का किस्सा तो सचमुच दिल दहलाने वाला है, क्योंकि बिरला जब वहाँ पहुँचे तो उनको ये था कि यहाँ खाने पीने की यात्रा हो रही है और गांधी की यात्रा हो रही है, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो देखा और ख़ुद से अनुभव किया, जैसे उनसे पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, तो उनको लगा कि दूध तो यहाँ होगा ही, बोले मैं दूध पी लूँगा और कुछ नहीं खाऊँगा, गर्मी का सीजन है तो आम होगा, तो आम तो फल तो उड़ीसा के लोग खाते ही नहीं थे, दूध मिलना मुश्किल हो गया, बाकी खाना कुछ भी नहीं था। जब उनको नहाने को कहा गया तो वो जब कुएं में गए तो कीचड़ वाला पानी, उस कुएं में पानी प्रॉपर नहीं था, वही पानी लोग पी रहे थे, वही पानी नहा रहे थे, उसी से नहा धो रहे थे। तो बिरला जी ने ये लिखा है अपने इसमें संस्मरण में कि मैं तो सचमुच दंग रह गया, और जब मेरे लिए कई बकरियों का दूध दूह के, करीब आधा सिर दूध लेके कोई आया, तो भूख लगी थी, मैंने खा तो लिया, लेकिन मुझे अंदर से ग्लानी होती रही कि जाने कितने बच्चों को ये दूध मिलता जो मुझे दे दिया गया। बिरला जी का लिखा हुआ इस मामले में भी दिलचस्प है कि उन्होंने उस पूरे माहौल को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, और मैं थोड़ा हिस्सा उसका पढ़ना चाहता हूँ। गांधी के आए मानो भगवान आ गए हों, गांधी के सामने वे कीर्तन करते थे, नाचते थे, स्त्रियां उलूक ध्वनि करती थी, दो दो हजार आदमी गांधी के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना में हजारों लोग आते हैं, बड़े जतन से तांबे के टुकड़े अधेले पाई लाते हैं और गांधी के चरणों में रख जाते हैं। आगे वो एक जगह लिखते हैं, 20-20 कोस चलकर आने वाले नरकंकाल जैसे लोग धोती की सात गांठों के अंदर जतन से एक पैसा निकालकर गांधी के चरणों में रख देते हैं, वह दृश्य सचमुच रुलाने वाला होता है। तो सचमुच गांधी को इस तरह के लोगों ने चंदा दिया और पैसा गांधी ने लिया, क्योंकि गांधी को ये अंदर से भरोसा था कि वो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, और इसका इस्तेमाल उन्होंने क्या किया ये सारे मुल्क ने देखा। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो गांधी को और गांधी के साथियों को जो अनुभव हुआ, वो ये अनुभव सबसे दिलचस्प था कि मुल्क का व्यवहार ऐसा है जैसे छुआछूत, उसके सीने पे कोई बोझ था, और गांधी ने इस यात्रा के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए वो बोझ उतारने का काम किया। तो लोग गांधी का एहसान मानते, बहुत थोड़े ही लोग थे जिनको लगता था कि गांधी समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर हिंदुस्तान का व्यवहार यही था कि गांधी उसके सीने से कोई बोझ उतार रहे हैं। और जो गांधी के साथी थे उनके किस्से एक से एक बढ़िया हैं और दिलचस्प हैं, वो किसी और दिन मैं सुनाऊंगा। जैसे NR मलकानी थे, उसमें
एनआर मलकानी, ये जो केआर मलकानी थे ऑर्गेनाइजर के एडिटर संघ की पत्रिका, उनके बड़े भाई थे। और मुजफ्फरपुर में जब गांधी गए थे चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में, तब से वो उनके साथ हुए थे और सारा जीवन उन्होंने सफाई में लगा दिया। इस यात्रा में भी वो सचमुच झाड़ू ही लिए चलते रहे और उनके झाड़ू के किस्से ऐसे थे कि आप पे यही फपता है। जबकि वो बीच बीच में कहीं अंग्रेजी पढ़ा देते थे, प्रोफेसर थे पुराने तो उनका पढ़ाने का, लेकिन सारा जीवन उन्होंने सफाई और स्वच्छता में ही लगाया। इस यात्रा में जीवराम जी एक थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 12 बजे के बाद, वो कब सोते थे ये कोई नहीं देखता था, 12 बजे के बाद वो शौचालयों की सफाई करते थे कि सुबह सबको साफ़ सुथरा शौचालय मिलेगा। उस समय सफाई वाले शौचालय थे, तो वो कब सोते थे, भर दिन काम करते उसी में चलते थे। ऐसे ही एक सज्जन थे कृष्णा नायर जी। कृष्णा नायर जी के लिए माना जाता है कि वो यात्रा में कभी आगे नहीं गए, या कभी वो सबका सामान समेटो और सबका गुम हुआ सामान समेट के पीछे 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 हर जगह पहुंचते थे और पहुंच के सबको, सबकी सुविधा कैसे हो और सबका सामान कैसे वहाँ तक पहुँचे। इस तरह के सैकड़ों लोग इस यात्रा में पूरे समय गांधी के साथ रहे और ये यात्रा जाके बनारस में ख़त्म हुई और वहाँ जाके फिर ये झगड़ा, जैसा मैंने कहा कि 2 तारीख को उन्होंने इसको ख़त्म किया था। इस सभा में सारे लोग आए, सारे लोग माने मालवीय जी भी थे, शिव प्रसाद गुप्त भी थे, सबका भाषण हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब झगड़े बढ़े तो गांधी ने 3-4 दिन और रुक के शहर में शांति लगाने का काम किया। लेकिन अभी तक दलितों की हालत में संविधान से काफ़ी फर्क आया है, संविधान कायदे कानून से, लेकिन राजनीतिक मुहिम और सामाजिक मुहिम के तौर पे गांधी की ये यात्रा सबसे ज़्यादा प्रभावी और असरकारी रही है और इसने दलितों की स्थिति में सबसे ज़्यादा फर्क किया है। तो आज की कहानी इतनी, अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे।